हाय एवरीवन, तो आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लेमेशन एंड ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके मैं पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी। तो आज हमारा पहला पार्ट होगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। तो पहले देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है। इन्फ्लेमेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो कि हमारे इन्फेक्शंस के वक्त होता है, जब भी कोई टिश्यू इंजरी हो जाती है या फिर टिश्यू डैमेज हो जाता है, चाहे वो किसी भी कॉज की वजह से हो, चाहे इन्फेक्शन की वजह से हो या इम्यून रिएक्शंस या फिर इंजरी या फॉरेन बॉडीज़, कोई भी कॉज हो टिश्यू डैमेज या टिश्यू इंजरी का, वहाँ पे हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये ऑफेंडिंग एजेंट्स को एलिमिनेट करेगा, जो 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 हमारे फॉरेन बॉडीज़ है, जो भी हमारा टॉक्सिक स्टिमुलस है, उसको दूर करने के लिए। तो जो इन्फ्लेमेशन होता है, ये दोनों कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेल इंजरी को हटाने की कोशिश करता है। कॉज मतलब माइक्रोब और टॉक्सिन जैसे को हटाने की कोशिश करेगा जो कि हमारे टिश्यू डैमेज कर रहे हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि कुछ नेक्रोज सेल्स हैं, नेक्रोज टिश्यू है, उनको भी एलिमिनेट करने के लिए। तो इन्फ्लेमेशन में हम आज एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे हैं, उसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कि एकदम रैपिड होता है, एक्यूट है, एकदम से आएगा, सडन है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है कि बस थोड़ी सी देर के लिए ही होता है। इसमें जो मेन हमारा जो सेल काम कर रहा होता है, जो भी हॉलमार्क सेल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं एमसीक्यू में आ सकता है, ये है न्यूट्रोफिल्स। क्रॉनिक में हमारे लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स होते हैं, लेकिन एक्यूट में हमारे होते हैं न्यूट्रोफिल। एक्यूट में जो हमारी टिश्यू इंजरी, फाइब्रोसिस, जो डैमेज होता है वो माइल्ड है, लेकिन जो हमारे लोकल और सिस्टमिक साइंस होते हैं कि हमें जो दिख रहा है ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है या फिर जो भी इसके सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, वो हमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कि एकदम रैपिड है और शॉर्टर ड्यूरेशन का है। हॉलमार्क सेल इसका न्यूट्रोफिल है, जो इसका टिश्यू इंजरी और फाइब्रोसिस है वो कम होती है, लेकिन साइन और सिम्टम्स हमें इसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसको अच्छे से इसका प्रोसेस पढ़ने के लिए। अब क्या होता है कि इसका तीन मेन प्रोसेस है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। पहला कि जो हमारी स्मॉल वेसल्स है, कैपिलरी बेड्स है, माइक्रोवैस्कुलेचर है, छोटे छोटे वाले वेसल्स हैं, उनका डायलेशन हो जाएगा। अब जब उनका डायलेशन हो जाएगा तो उस एरिया में ज़्यादा ब्लड होगा, ज़्यादा कैपिलरी बेड्स खुल जाएंगे, तो वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है कि परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी हमारे माइक्रोवैस्कुलेचर की। तो परमेबिलिटी अब इंक्रीज़ हो जाएगी, तो जो हमारे वेसल के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स थे, जो ल्यूकोसाइट्स थे, अब वो अब सर्कुलेशन को लीव करके एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में चले जाएंगे। थर्ड स्टेप आता है हमारा एमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो एमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट क्या होता है कि वो माइक्रो सर्कुलेशन को छोड़ के हमारा टिश्यू साइट तक जाएगा। तो ये पूरा एमिग्रेशन की प्रोसेस है, और वहाँ पर जाके वो जो ऑफेंडिंग एजेंट है, वो जो स्टिमुलस है, टॉक्सिक स्टिमुलस, उसको जाके रिमूव करेगा। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में मेनली ये चीज़ हो रही है। तो इसको अगर हम थोड़ा और डिटेल में करें तो ये पूरा जो है प्रोसेस, ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एक्यूट इन्फ्लेमेशन के स्टेप बाय स्टेप बता देता है कि हो क्या रहा है। उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि एक्सुडेट और ट्रांसुडेट में क्या डिफरेंस होता है। तो एक्सुडेट क्या होता है कि ये वो एक्स्ट्रा वैस्कुलर फ्लूइड है जो कि हमारा ब्लड वेसल से निकल के टिश्यू की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा वैस्कुलर कह रहे हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन कंसेंट्रेशन होती है, और इसकी क्योंकि प्रोटीन कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। ऐसे ही जो ट्रांसड्यूएट होते हैं वो हमारे कम प्रोटीन कंटेंट के होते हैं, उनमें कोई सेलुलर मटेरियल नहीं होता, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो जो एक्सुडेट है, अब क्योंकि हाई प्रोटीन कंसेंट्रेशन है उसमें, तो जब वो बाहर जाएगा तो वो एक इन्फ्लेमेटरी एडिमा कॉज करेगा। लेकिन जो ट्रांसड्यूएट है, क्योंकि उसमें कोई प्रोटीन कंटेंट नहीं है, तो वो नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा कॉज करेगा। ठीक है, तो इस वाले आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा एक्सुडेट दिखा रहा है जिसमें हमारे ये जो ऑरेंज डॉट्स है ये प्रोटीन को रिजेंबल कर रहे हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। तो
एक्सुडेट मतलब हाई प्रोटीन कंटेंट एंड मे कंटेन सम वाइट एंड रेड सेल्स, और ट्रांसजुडेट में क्या होता है लो प्रोटीन कंटेंट जिसमें फ्यू सेल्स होते हैं। अब इन चेंजेस को डिटेल में करने से पहले मैं कुछ कार्डिनल साइंस बताना चाहूँगी इन्फ्लेमेशन के। ये हमारे हॉलमार्क्स होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, और वो चार कार्डिनल साइंस पाए ही पाए जाते हैं। अगर आप कोई भी अपना जैसे सोच लो या इमेजिन कर लो, आपको कभी ना कभी तो इन्फ्लेमेशन हो ही होगी, उसमें आपको रेडनेस, पेन, हीट, स्वेलिंग और वहाँ पे नमनेस फील होगी। तो रेडनेस मतलब र्यूबर, पेन मतलब डॉलर, हीट मतलब कैलर, स्वेलिंग मतलब ट्यूमर, और नमनेस जो होगी लॉस ऑफ फंक्शन। तो जो सेल्सस एक है, एक बंदा था, उसने र्यूबर, डॉलर, कैलर और ट्यूमर दिए थे। र्यूबर मतलब रेडनेस, डॉलर मतलब पेन, कैलर क्योंकि कैलरी से होता है तो हीट, ट्यूमर, ट्यूमर मतलब कोई भी स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन तो वो स्वेलिंग। और एक वर्चाव आया है बाद में, उन्होंने क्या, उन्होंने फंक्शनलाइजर दिया जिसका मतलब है लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये हमारे जो फीचर्स है ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में पाए ही पाए जाते हैं, इन्फ्लेमेशन में दिखाई ही दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम, अब ये चेंज इन वैस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर, पूरी इन्फ्लेमेशन की स्टोरी इस पूरे पैराग्राफ से हमें पता चल जाती है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजोडायलेशन की। ये हमारा मीडिएट होता है हिस्टामिन से, तो हिस्टामिन हमारा पहला मीडिएटर है। पहले प्रोसेस में ही हमारा कौन सा मीडिएटर आया, हिस्टामिन। तो ये जो वेजोडायलेशन है ये अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है, वन ऑफ द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। पहला स्टेप, पहली जो चीज़ आएगी वेजोडायलेशन। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास MCQ में आए कि पहला स्टेप कौन सा है, वेजोडायलेशन या फिर ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन, तो आप इसमें ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन टिक मार करोगे, क्योंकि रॉबिन्स में लिखा है कि पहले एक हल्का सा एकदम थोड़ी सी देर के लिए वेजो कंस्ट्रक्शन होता है फिर वेजोडायलेशन होता है। तो अगर वेजो कंस्ट्रक्शन MCQ में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर तो वेजोडायलेशन ही आंसर है। लेकिन अगर वेजोडायलेशन एंड ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो आप ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन को ही टिक करना। तो अब ये बात छोड़ देते हैं, हमारा मेन पहला प्रोसेस क्या है, वेजोडायलेशन। किससे मीडिएट हो रहा है, हमारे हिस्टामिन से। अगर वेजोडायलेशन हो रहा है तो कैपिलरी बेड्स खोलेंगे, इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा। इसलिए क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है इसलिए हमें वहाँ पे रेडनेस और हीट मिलेगी, मतलब र्यूबर और कैलर दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई वाइवाइम पूछे कि ये हमारे कैलर और र्यूबर दिखते क्यों है, तो आप बोलोगे बिकॉज द फर्स्ट स्टेप वेजोडायलेशन वॉज इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू दैट एरिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, आप एक जगह या तो नोट डाउन करती रहिए या सुनते रहिए। पहला स्टेप हमारा वेजोडायलेशन था, दूसरा स्टेप है हमारा इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द माइक्रोवैस्कुलेचर। तो क्या हो रहा है कि जो सेकंड स्टेप है इसमें जो हमारे जो वेसल वॉल की परमेबिलिटी है ना वो बहुत इंक्रीज हो रही है। इससे क्या होगा, सब लूज़ हो गया, परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो जो भी प्रोटीन रिच फ्लूइड क्या होता है, एक्सुडेट, वो हमारा एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में चला जाएगा, वो हमारा वेसल से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये अब बाहर जाएगा तो इससे क्या होगा, एडिमा होगा। तो मतलब एडिमा मतलब स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब ट्यूमर। तो ट्यूमर का क्या कॉज है, वो है सेकंड हमारा प्रोसेस जो कि है इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द माइक्रोवैस्कुलेचर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप से पहले जो ये हमारा सेकंड स्टेप था इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द माइक्रोवैस्कुलेचर, ये हमारा एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, एकदम हॉलमार्क ऑफ द स्टेप है। पूरे एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो इंपॉर्टेंट हॉलमार्क स्टेप है वो है हमारा इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द माइक्रोवैस्कुलेचर। तो ये भी हमारा एक MCQ पॉइंट बन सकता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं वापस अपने थर्ड प्रोसेस पे। तो क्या हो रहा है कि द लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इंक्रीज वेसल डायमीटर लीड टू द स्लोअर ब्लड फ्लो एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रेड सेल्स इन स्मॉल वेसल्स एंड इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। क्या हो रहा है कि अब हमने बोला कि ये जो हमारा इंक्रीज परमेबिलिटी हुई थी इससे सब कुछ बाहर चला गया वेसल से, है ना। तो क्या हुआ कि अब लॉस ऑफ फ्लूइड भी हो गया, हमारा डायमीटर भी बड़ा है, हमारा रेड सेल का कंसेंट्रेशन भी बड़ा हो गया है। तो जो ब्लड वेसल के अंदर जो सर्कुलेशन की जो वो थी हमारा, मतलब फ्लो, वो बहुत धीमे हो गया है,
तो एकदम स्टेटस ऑफ ब्लड फ्लो हो गया है, मतलब स्टेटस मतलब रुक जाना, तो ब्लड फ्लो एकदम रुक सा गया है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे जो RBC होते हैं ना, वो मेनली वो हमारे सेंट्रल में घूमते हैं। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्लड वेसल होती है ना, उसमें ब्लड वेसल के सेंट्रल एरिया में मतलब बीच में तो RBC घूमते रहते हैं, लेकिन जो ल्यूकोसाइट वगैरह होते हैं ना, वो थोड़े पेरिफेरी में होते हैं, मतलब एकदम कोने कोने में होते हैं हमारे ल्यूकोसाइट। तो अगर ये जो ब्लड का स्टॉपेज हो जाएगा, ब्लड का स्टेटस हो जाएगा, तो जो सेंट्रल वाले RBC है वो आराम से इधर पूरा घूमेंगे फूमेंगे धक्का बुक्की करेंगे, और जो ल्यूकोसाइट्स है वो और पेरिफेरी में चले जाएंगे। अब वो और पेरिफेरी में हो जाएंगे तो वो एकदम जो वैस्कुलर एंडोथेलियम है ना, मतलब वेसल की एकदम लाइनिंग, उससे जाके एकदम उसके पास जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, बहुत सारे वहाँ पे ल्यूकोसाइट हो जाएंगे। अब क्या होता है कि एंडोथेलियल सेल्स ना उसी टाइम पे अपने एडेशन मॉलिक्यूल्स छोड़ देता है। ये एडेशन मॉलिक्यूल्स हम बाद में पढ़ेंगे, बट आप अभी के लिए ये नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एंडोथेलियल सेल्स है ये एडेशन मॉलिक्यूल्स को उसी टाइम रिलीज कर देता है। तो ये ल्यूकोसाइट इन एडेशन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके उस एंडोथीलियम पे जाके एडहेयर हो जाता है, एकदम चिपक जाता है वहाँ पे, और यहाँ पे हमारे ये ख़त्म होता है ये स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है कि अब ये ल्यूकोसाइट माइग्रेट करेगा थ्रू दी वैस्कुलर वॉल, उसको पियर्स करके, एंडोथीलियम को पियर्स करके, बेसमेंट मेम्ब्रेन को पियर्स करके सीधा इंटरस्टिशियल टिश्यू में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। इधर एक हमारा एक बड़ी सी इमेज होगी, इससे मैं वापस सब कुछ रिपीट कर देती हूँ उसके आगे क्या होगा। ठीक है, अब हमने बोला कि हमारा जो ल्यूकोसाइट है वो पेरिफेरी के पास आने वाला है। अब उसके बाद एक स्टेप आता है हमारा, ये फिफ्थ या सिक्स स्टेप होगा मेरे ख्याल से, रोलिंग। अब ये ऐसे हमारा ये जो ल्यूकोसाइट है या फिर न्यूट्रोफिल है वो ऐसे रोल करेगा और इधर आ जाएगा। इधर आके अब वो ये देखिए यहाँ से वो अटैच हो गया, तो पहले रोलिंग हुई, फिर ये अटैचमेंट हुआ, अब अटैचमेंट के बाद ये सीधा माइग्रेशन कर देगा। अब माइग्रेशन के बाद ये इसको जाना है साइट ऑफ इंजरी पे, तो यहाँ से ये अपनी साइट ऑफ इंजरी पे कैसे जाएगा, ये जाएगा कीमोटैक्सिस से। ठीक है, अब ये कीमोटैक्सिस से चला गया, कीमोटैक्सिस मतलब किसी भी केमिकल ग्रेडियंट के केमिकल स्टिमुलस की डायरेक्शन की ओर जाना, लोकोमोशन टुवर्ड्स द केमिकल ग्रेडियंट या फिर गोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल स्टिमुलस, तो इसको हम कीमोटैक्सिस कहते हैं, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये इधर आ गया, अब इधर आ गया, उसके बाद इसको फेगोसाइटोस होना है, ख़त्म होना है, तो ये अपने ऑप्सोनेंस के साथ आएगा। ऑप्सोनेंस वो चीज़ होती है जो इस चीज़ को टेस्टी बना दे कि भाई मुझे खा जाओ, कि अब मैं चिपक रहा हूँ, ये एकदम कोटिंग कर देता है ये बहुत टेस्टी मॉलिक्यूल से, और फिर इसका इंगल्फमेंट हो जाता है, फेगोसाइटोसिस हो जाता है और फिर किलिंग हो जाती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस था एक्यूट इन्फ्लेमेशन का इन शॉर्ट में। दोबारा सारा एक बार जल्दी से रिपीट कर देती हूँ, फिर हम इन सारे एक एक स्टेप्स की एक एक करके पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सा स्टेप कैसे हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अगर आप इसको एक बार ही समझ गए ना, तो ये तो एकदम स्टोरी की तरह है, इतना कुछ टफ नहीं है, पर मज़ेदार भी है और थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कोई बात नहीं। तो दोबारा रिपीट करने पे आते हैं हम, क्या क्या स्टेप्स थे। नंबर 1 वेजोडायलेशन मीडिएटेड बाय हिस्टामिन। नंबर 2 इंक्रीज पर्मेबिलिटी ऑफ द माइक्रोवास्कुलेचर। नंबर 3 आउटपोरिंग ऑफ द प्रोटीन रिच फ्लूइड नोन एज एक्सुडेट। नंबर 4 स्टेटस ऑफ द ब्लड। नंबर 5 ल्यूकोसाइट्स एक्यूमुलेटिंग अलोंग द वैस्कुलर एंडोथीलियम। नंबर 6 यूजिंग ल्यूकोसाइट्स यूजिंग द एडिशन मॉलिक्यूल्स टू फर्स्ट रोल एंड देन अटैच देन माइग्रेशन कीमोटैक्सिस ऑप्सोनाइजेशन एंड देन फेगोसाइटोसिस। तो ये हमारा पूरा एक्यूट इन्फ्लेमेशन का स्टेप्स था। नेक्स्ट अब हम आते हैं इन सारे स्टेप्स को एक एक करने में डिस्कस करेंगे हम। तो पहला स्टेप है हमारा वेजोडायलेशन। तो चलो आपको पता है कि वेजोडायलेशन कैसे होता है, हिस्टामिन आया उसने वेजोडायलेशन कराया। अब ये इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी कैसे हुई, तो शुरू करते हैं हम पहले इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी के साथ, जिसमें हमारी वैस्कुलर लीकेज हो रही है।
तो ये हमारे तीन तरीके से हो सकती है, या तो रिट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स, या फिर माइल्ड एंडोथेलियल इंजरी, या फिर सीवियर एंडोथेलियल इंजरी। तो अगर हम इस इमेज में देखें तो ये नॉर्मल हमारा ये वेसल ल्यूमेन है, ये हमारे टिश्यूज़ है। तो वेसल ल्यूमेन के अंदर ये हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं और ये एंडोथीलियम है। तो एंडोथीलियम के बीच में आप देखिए एकदम अटैचमेंट हो रखी है, कोई स्पेस नहीं है। जब रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स हो जाता है, जो कि हमारा हिस्टामिन के और अदर मीडिएटर्स की वजह से हो रहा है, तो क्या होगा कि इनका एंडोथीलियल सेल्स का रिट्रैक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो बीच में जगह हो जाएगी और जो हमारा ल्यूकोसाइट है वो वहाँ से निकल के हमारा बाहर आ जाएगा, माइक्रो सर्कुलेशन से बाहर आ जाएगा। और ये एकदम रैपिड होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारा इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। मतलब इमीडिएट मतलब एकदम, और ट्रांजिएंट मतलब थोड़ी सी देर के लिए। इसके कौन से मीडिएटर्स हैं? हिस्टामिन, ब्रैडीकाइनिन और ल्यूकोट्राइन्स। तो हमारा रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स में क्या हो रहा है कि जो हमारे एंडोथीलियल सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिट्रैक्ट कर रहे हैं, साइज में छोटे हो रहे हैं, तो हमारे सेल्स के बीच में जगह आ रही है और ल्यूकोसाइट वहाँ से निकल के बाहर आ रहा है। तो ये है हमारा इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। फिर हमारा आता है माइल्ड एंडोथीलियल इंजरी, इसमें डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स दिखता है हमें। क्या होता है कि जो हमारा जैसे कोई भी इंजरी हुई, तो जो भी सेल थे जो इंजर्ड हुए वो एपोप्टोसिस शो करेंगे, लीकेज बहुत दिनों तक रहेगी, और इसलिए हम इसे कहते हैं डिलेड प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स। क्या होता है माइल्ड वाले में कि अगर कोई भी इंजरी होती है तो फिर हमारा एपोप्टोसिस हो जाता है उन सेल्स का, और लीकेज कंटिन्यू होती है सेवरल डेज तक, इसको हम डिलेड प्रोलॉन्ग लीकेज कहते हैं। इसमें अच्छे से दे नहीं रखा। पर फिर आती हमारी सीवियर एंडोथीलियल इंजरी, जो कि एकदम नेक्रोसिस और डिटैचमेंट में लीड कर जाती है। जैसे बहुत ही जो सीवियर इंजरीज होती है, फॉर एग्जांपल बर्न्स, तो ये उन केसेस में होता है, और ये बहुत जल्दी से शुरू हो जाता है और कुछ घंटों तक ही रहता है। तो ये हमारा क्या हुआ कि इमीडिएट सस्टेन रिस्पॉन्स, तो क्योंकि ये सस्टेन रहा थोड़े से घंटों के लिए और इमीडिएटली स्टार्ट हो रहा था, तो ये हमारा इमीडिएट सस्टेंड रिस्पॉन्स। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे जो इंक्रीज वैस्कुलर पर्मिलिटी थी उसके हमने तीनों कॉज बता दिए कि या तो ये एंडोथीलियल सेल्स का रिट्रैक्शन हो रहा है, या फिर एंडोथीलियल इंजरी की वजह से हो रहा है। तो अगर आप एंडोथीलियल इंजरी वाला डायग्राम देखोगे तो इट इज़ कॉज बाय बर्न, सम माइक्रोबियल टॉक्सिन्स, इट मे बी रैपिड और इट मे बी लॉन्ग लिव, आवर्स टू डेज। तो यहाँ पे इसकी शक्ल ही बदल गई है एंडोथीलियल सेल्स की, और पूरे डैमेज हो गए हैं, और देखो कैसे बाहर आ रही है चीज़ें। फिर आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे, जो कि है ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट टू द साइट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो ये अब हमारे बाकी सारे जितनी प्रोसेस होंगे उसको मद्देनज़र रखते हुए है। तो इसलिए जो हमारी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि उसके वैस्कुलर चेंजेस लिखो और सेलुलर इवेंट्स लिखो। तो वैस्कुलर इवेंट्स में आपके यहाँ तक आएंगे कि क्या क्या वेसल के अंदर हुआ। अब जब ल्यूकोसाइट हमारा वेसल को तोड़ के बाहर आ गया है, तो वो सारे फिर हमारे सेलुलर इवेंट्स में आ जाएंगे। तो मेनली हमारी जो ये ल्यूकोसाइट वाला काम करते हैं, माइग्रेशन वाला, ये हमारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस हैं। तो पहली चीज़ आती है कि जब हमने बोला था कि स्टैटिस हो रहा है, ब्लड फ्लो कम हो रहा है, तो जो ल्यूकोसाइट है वो एकदम वेसल वॉल के आसपास आ गए हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट रीडिस्ट्रीब्यूशन, और इसको दूसरा नाम है माइग्रेशन, ठीक है। क्या होता था कि स्टैटिस के वक्त, क्योंकि RBC का छोटा छोटा साइज़ है, वो जल्दी जल्दी फ्लो में आगे जाएगा, तो वो एकदम सेंट्रल लाइन बीच में चल रहा है, और क्योंकि ल्यूकोसाइट बड़े स्लो है, थोड़े बड़े से हैं, तो वो पेरीफेरी की तरफ है, और वो जो हमारे ल्यूकोसाइट है वो अटैच भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है ना थोड़ा हल्का हल्का, तो वो अटैच भी अच्छे से नहीं हो पा रहे। लेकिन इन ल्यूकोसाइट्स के पास एक ताकत है कि वो रिकग्नाइज कर सकते हैं कि अब हमारे एंडोथीलियल सेल के पास कुछ एडेशन मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। तो ये एडेशन मॉलिक्यूल्स हम जो मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है ना, उस वाले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस ये नाम याद रखिए, जो जो प्रोसेस में जो जो मीडिएटर का नाम आ रहा है, बाद में हम सब डिस्कस करेंगे। तो अब क्या होगा कि
दीज सेल्स बाइंड एंड डिटैच एंड दस बिगिन टू टम्बल ऑन द एंडोथेलियल सरफेस, अ प्रोसेस कॉल्ड रोलिंग। तो क्या होगा कि जब ल्यूकोसाइट को पता चल जाएगा कि यार एडहेशन मॉलिक्यूल आ गया, उसको पकड़ के वो बढ़िया रोल करने लग जाएगा, और इस चीज़ को हम रोलिंग कहते हैं। फिर ये कहीं ना कहीं आके रुक जाएगा, अटैच हो जाएगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे कोई पत्थर है और उसके ऊपर से पानी गुजर रहा है। तो इसको हम एक तरीके से एडहेरेंस भी कहेंगे, या फिर अटैचमेंट भी कह सकते हैं, या फिर पेवमेंटेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आके हमारे ये वाले सारे स्टेप्स ख़त्म होते हैं। तो रोलिंग और अपने ये एडहेरेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अब आते हैं फिर हम रोलिंग पे। तो रोलिंग का काम हमारा करा रहा है सिलेक्टिन, ठीक है। फैक्चुअल चीज़ है, पक्की पक्की पूरी याद रखनी है। और ये जो इंटीग्रेंस है ना, ये हमारा करा रहा है एडहेरेंस। तो हमारे लास्ट के जो दो स्टेप थे ना, रोलिंग और एडहेरेंस, ये दोनों करा रहे हैं। सिलेक्टिन करा रहा है हमारा रोलिंग, और इंटीग्रिन करा रहा है हमारा एडहेरेंस। तो सिलेक्टिन हमारा ये रोलिंग वोलिंग कैसे करा रहा है, तो ये पार्ट है हमारे CD62 के, ठीक है। तीन इसमें आते हैं हमारे ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन, एल सिलेक्टिन। ई मतलब एंडोथेलियल में होगा, पी मतलब प्लेटलेट और एंडोथेलियल में होगा, और एल मतलब ल्यूकोसाइट में होगा, ठीक है। इतना याद रहेगा, ई पी और एल, ई पी एल सिलेक्टिन्स है हमारे पास। तो अगर हम ये वाली टेबल देखें तो इसमें एल ई और पी सिलेक्टिन के बारे में कुछ दे रखा है। जो ई और पी सिलेक्टिन है उनके तो लाइगेंड है साइलाइल लुइस एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन जो एल सिलेक्टिन है उसका हमारे लाइगेंड है साइलाइल लुइस एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकैम 1, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था, और इतना याद रखना इसके में क्वेश्चंस आते हैं, ये टेबल भी याद रखना, ये इसके लाइगेंड कौन से होते हैं ये भी याद रखना। अब पी सिलेक्टिन की एक बात है कि जो पी सिलेक्टिन है वो हमारी वीबल पैलेट बॉडीज़ कुछ है ऐसा, वीबल पैलेट बॉडीज़ इसमें पाए जाते हैं, और जो हिस्टामिन और थ्रोम्बिन होते हैं ना, ये इसको इफेक्ट में लाते हैं। और जो बाकी एल सिलेक्टिन और ई सिलेक्टिन थे उनको इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर लाते हैं। तो क्या बोला मैंने, पी सिलेक्टिन हमारा वीबल पैलेट बॉडीज़ में होते हैं, और जो हमारे ये हिस्टामिन और थ्रोम्बिन से मीडिएट होते हैं। जो हमारे एल सिलेक्टिन और पी सिलेक्टिन है उनमें जो तब एक्सप्रेस होंगे जब हमारे इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर 1 हमारे स्टिमुलेट होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम, ये रोलिंग पे ही एक क्लिनिकल क्वेश्चन है, उससे कहते हैं हम LAD2, मतलब ल्यूकोसाइट इसमें नहीं है, मैं ऐसे बता रही हूँ सुन लो। ल्यूकोसाइट एडिशन ऑफ डेफिशिएंसी, सॉरी ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी 2, ठीक है। नाम से पता चल रहा है ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी 2, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, साइलिन लुइस एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये नहीं है तो रोलिंग एडहेशन नहीं होगी। अब रोलिंग एडहेशन नहीं होगी तो क्या होगा कि इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमारे इन्फेक्शन को कम करना है। तो अगर हमारे ये वाले प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो हमारे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट आते हैं हम इंटीग्रेंस पे। इंटीग्रेंस हमारा क्या काम करा रहा था, एडहेरेंस। और इसमें और क्या याद रखने की बात है, इसको भी इंटरल्यूकिन 1 और TNF हमारे स्टिमुलेट कर रहे हैं, एक्सप्रेस करेंगे, एक्टिवेट करेंगे एंडोथेलियल सेल्स को, जिससे लाइगेंड्स का एक्सप्रेशन बढ़ सके। कौन से लाइगेंड्स का, तो इंटीग्रेंस में हमारे लाइगेंड्स आते हैं IKEM1 और VKEM1, ठीक है। अब ये वाली टेबल वापस आ जाइए, इंटीग्रेंस देखिए, एक है हमारा MAC1 और एक है हमारा VLA4, मतलब MAC1 तो हो गया हमारा CD11 भी और CD18, और VLA4 है हमारा CD14। दूसरे नाम क्या है इनके, MAC1 है beta2 और VLA4 है beta1। अब जो beta2 beta1 दोनों मोनोसाइट्स में प्रेजेंट है, लेकिन beta2 का लाइगेंड है IKEM1 और beta1 का लाइगेंड है VKEM1, ठीक है। ये भी याद रखने वाली चीज़ है और कुछ नहीं। ये इंटीग्रेंस का भी क्लिनिकल है, इसमें LAD1 वाली डिसीज हो जाती है। LAD1 क्या है, ल्यूकोसाइट एडेशन डेफिशेंसी 1। किसकी डेफिशिएंसी है यहाँ पे, CD18 डेफिशिएंसी है। CD18 क्या है हमारा, हमने अभी देखा है CD18 MAC1, MAC1 बोले तो बीटा टू नहीं है तो क्या होगा, हमारे जो इन्फेक्शन है वापस आ सकते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन। तो हमारे जो हमें क्लिनिकल क्या दिखाई देगी कि उसके इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं हो रहे, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं। और एक और इसमें जो एक बहुत अच्छी चीज़ देखेगी, हम इसकी पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनकी डिलेड सेपरेशन थी अम्बिलिकल कॉर्ड की, ये उनकी हिस्ट्री में पाया ही जाएगा।
तो हमने अभी तक जितने भी पेशेंट देखे हैं तो उनमें ये एक डिलेड सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड रहा है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लैड वन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये रोलिंग और रोटेशन भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम आते हैं ये माइग्रेशन वाला टॉपिक पे। अब माइग्रेशन या फिर हम और कह सकते हैं ट्रांसमाइग्रेशन या फिर डायबिटिसिस। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए ये ल्यूकोसाइट माइग्रेशन वाली स्टेज पे। हमने बोला कि ट्रांसमाइग्रेशन डायबिटिसिस बोलते हैं इस चीज़ को जब हमारे ल्यूकोसाइट माइग्रेट कर जाते हैं वेसल वॉल से। और इसको हम कौन कौन रेगुलेट कर रहा है, पीकैम वन और CD31। इन दोनों ये सेम ही चीज़ है, या तो पीकैम वन बोलो या CD31 बोलो, प्लेटलेट एंडोथीलियल सेल एडेशन मॉलिक्यूल वन, प्लेटलेट एंडोथीलियल सेल एडेशन मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल इजी। अब क्या होता है कि हमारे जो ल्यूकोसाइट है ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन को पियर्स करता है। कैसे? कोलाजिन होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में, तो कोलाजिनेज एंजाइम से कट करके पियर्स करके बाहर आएगा, एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू में जाएगा। तो ये माइग्रेशन भी हो गया। अब हमने माइग्रेशन के बाद बोला था, याद है, ये माइग्रेशन जहाँ तक हो गई थी। अब कीमोटैक्सिस करना और ऑप्शनलाइजेशन और फेगोसाइटोसिस, बस तीन स्टेप रह गए हमारे, बताओ। तो कीमोटैक्सिस में क्या हो रहा है कि जो हमारा ल्यूकोसाइट है वो हमारे साइट ऑफ इंजरी की तरफ जाएगा, इस प्रोसेस को हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। मतलब लोकोमोशन अलोंग अ केमिकल ग्रेडियंट, मतलब मूविंग अलोंग टूवर्ड्स अ केमिकल स्टिमुलस। ठीक है, तो कोई भी केमिकल ग्रेडियंट, केमिकल स्टिमुलस, कुछ भी उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये खींचा खींचा चले जा रहे हैं अब उस साइट ऑफ इंजरी पर। तो ये कीमो अट्रैक्टेंट्स का काम होता है, ये अट्रैक्ट करते हैं ये। ठीक है, ये केमिकल होते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, तो कीमो अट्रैक्टेंट्स, और ये एंडोजेनस और एक्सोजेनस दोनों हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, जैसे बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, बैक्टीरियल सेल वॉल जिसमें हमारा ये एन फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है, साइटोकाइंस जैसे इंटरल्यूकिन 8, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जैसे C5A, ल्यूकोट्राइंस जैसे LTB4। तो ये सारे हमारे कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं, कीमोटैक्सिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो ये हो कैसे रहा है कि ये जो क्या है ये कैसे एक्ट करते हैं, ये हमारे ना 7 ट्रांस मेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो हमारे ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होता है उन पे आके अटैच हो जाता है। कौन? ये कीमो अट्रैक्टेंट्स। कहाँ अटैच होता है? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन GPCRs कहाँ पे? ल्यूकोसाइट के ऊपर। क्या होगा कि कैल्शियम इंक्रीज़ ज़्यादा कराएंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे एक्टिन का, और उससे मूवमेंट हो जाएगी। चार स्टेप है, कीमो अट्रैक्टेंट आए, इन्होंने बाइंड किया, इन्होंने कुछ कैल्शियम वेल्शियम इंक्रीज़ किया, पॉलीमराइजेशन एक्टिन का किया, और फिर मूवमेंट शुरू हो गई। तो यहाँ पे हमारा ये कीमोटैक्सिस भी ख़त्म होता है। तो अब हमारा आता है लास्ट, फेगोसाइटोसिस। तो इससे पहले हमारी एक छोटी सी चीज़ आती है, वो है ऑप्शनाइजेशन। ऑप्शनाइजेशन मतलब हमारा ये टेस्टी बनाना उस चीज़ को। ठीक है, तो ये फेगोसाइटोसिस का ये एक पार्ट होता है। तो क्या होता है फेगोसाइटोसिस में कि मेनली तीन स्टेप होते हैं, रिकॉग्निशन अटैचमेंट, एनगल्फमेंट और किलिंग। पहचानेगा, अपने अंदर पकड़ के रख लेगा और फिर उसको किल कर देगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये इनके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, फेगोसाइटिक रिसेप्टर्स, ये वो रिकोगनाइज करते हैं इनको। कौन से? मैनोज रिसेप्टर, स्कैवेंजर रिसेप्टर और रिसेप्टर फॉर वेरियस ऑप्शनल्स। तो ये क्या हो रहा है ये फेगोसाइटोसिस में, इस वाली इमेज में देखते हैं। तो पहले तो रिकोगनीशन एंड अटैचमेंट हो रही है। अब ये रिकोगनीशन अटैचमेंट कैसे होगी कि जो ये माइक्रो वगैरह है ये हमारे बाइंड कर जाएंगे फेगोसाइट रिसेप्टर्स के साथ। कौन से? मैनोज, स्कैवेंजर, ऑप्शनन वाले। अब क्या होगा, ये टेस्टी वेस्टी लग गया इनको। ठीक है, टेस्टी लग गया तो ये इनगल्फमेंट कर ली इन्होंने। अब इन ये जो चीज़ है ना, ये गोल सा, ये इसको हम स्यूडोपोड कहते हैं। मतलब ये ऐसे फॉल्स पैर बना लेता है और फिर इसको इनगल्फ कर लेता है, और ये फिर ऐसे पूरा एक वैक्यूल के अंदर जैसा ले आएगा माइक्रोब को। और हमें पता है कि एक सेल के अंदर लाइसोसोम भी होता है, तो ये फेगोसोम लाइसोसोम फेगोलाइसोसोम बना देगा। फिर ये जो हमारे लाइसोजाइम्स है ये अपने एंजाइम छोड़ेगा और फिर किल कर देगा। लाइसोसोम के पास कौन से एंजाइम्स होते हैं वो अभी बताऊंगी मैं, किलिंग में बताऊंगी। ठीक है, तो ये फेगोसाइटोसिस था। अब ये जो एक स्टेप है ऑप्शनाइजेशन का, कि इसको ऐसा क्या हुआ कि इसको इनगल्फ कर लिया, तो कुछ ऑप्शनाइजेशन एजेंट्स होते हैं, ऑप्शनाइजिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे नंबर 1 Fc फ्रेगमेंट ऑफ IgG, नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जैसे C3b। हमारे उसमें वो बताओ, चलो गैस करो, जो ये हमारा कीमोटैक्सिस में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन था वो क्या था? C5a। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शनाइजेशन में हमारा कौन सा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है? C3b।
और एक ऑप्शनाइजिंग एजेंट एक और होता है, वो होता है सीरम प्रोटीन, जो कि फाइब्रिनोजन सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन और मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। तो कौन कौन से ऑप्शनाइजेशन एजेंट हुए? नंबर वन एफसी फ्रेगमेंट ऑफ आईजीजी, नंबर टू कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन लाइक सी3बी, और नंबर थ्री सीरम प्रोटीन बाइंड सीरम प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन सीआरपी और मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। ठीक है, कीमो अट्रैक्टेंट्स क्या थे हमारे? हमारे थे वो बैक्टीरियल सेल वॉल प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारा एनफॉर्माइल मिथ्योनिन, साइटोकिन जैसे IL-8, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जैसे C5A, और हमारा ये ल्यूकोट्राइन्स LTB4। तो ये जो दोनों हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, कीमो अट्रैक्टेंट्स और ऑप्शनाइजिंग एजेंट, इनको एकदम अच्छे से याद करना। बहुत बारी पूछा जाता है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है वाइवा में, MCQ में, हर जगह पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा ये हम लास्ट स्टेप आता है ये किलिंग। अब किलिंग भी ना तीन तरीके से हो सकती है, या तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ मतलब फ्री रेडिकल्स, या फिर रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़, ठीक है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड से डिराइव्ड होती है, या फिर लाइसोसोमल एंजाइम। तो क्या होता है कि जो हमारा ROS है ना, मतलब फ्री रेडिकल्स वाला, ये होता है हमारा O2 डिपेंडेंट किलिंग। इसको हम ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेटरी बर्स्ट भी कहते हैं। क्या होता है कि जैसे ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारा NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम आएगा और ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा बोलती हूँ, ये हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम आएगा, ये लिखा ना एक्टिव ऑक्सीडेज, और ये हमारा फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। अब ये हमारा पेरोक्साइड बना सकता है, फिर हमारा HOCl बना सकता है, और HOCl जो होता है ना हमारा हेलाइड, इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ किलिंग। ठीक है, और इसी पूरे हम इस चीज़ को O2 डिपेंडेंट किलिंग बोलते हैं। जो ये हमने लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, ये होते हैं हमारे O2 इनडिपेंडेंट किलिंग। कैसे कैसे इसमें होते हैं एंजाइम? जैसे लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन, बैक्टीरियल परमेबिलिटी इंक्रीजिंग प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेनली सब खत्म होता है। न्यू एडिशन ऑफ रोबिन्स में एक यहाँ पे कोई चीज़ अटैच हुई है, वो है फ्रस्ट्रेटेड फेगोसाइटोसिस, जिसमें यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं ऐसी बोल देती हूँ, सुन लो। किट अकर्स व्हेन द सेल एनकाउंटर्स अ मटेरियल विच कैन नॉट बी इजिली फेगोसाइटोस। मतलब फ्रस्ट्रेटेड फेगोसाइटोसिस के नाम से पता चल रहा है यार, फेगोसाइटोस हो ही नहीं रहा, मतलब ये हो जाना। तो ये एग्जांपल क्या है? इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिटेड ऑन दी फ्लैट सरफेसेस लाइक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हमारे डिपॉजिट हो जाते होंगे, वो हमारे फेगोसाइटोस इजीली नहीं होते, और हमारा ये फ्रस्ट्रेटेड फेगोसाइटोसिस में कन्वर्ट हो जाता है कि यार बस। ठीक है, एक लास्ट चीज़ है हमारा ये न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स। क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है, न्यूट्रोफिल मतलब न्यूट्रोफिल का है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर है। ठीक है, ट्रैप में तो मतलब अपनी पूरे फाइब्रिल फाइबर्स की वजह से ट्रैप कर रहा है। किसको? ये जो भी माइक्रोब वगैरह होता है उसको ट्रैप कर रहा है। ट्रैप करके क्या करना चाह रहा है? इस ट्रैप के अंदर बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं, जो कि इन्होंने अब ट्रैप कर लिया है इन सारे माइक्रोब को, और ये प्रिवेंट कर रहे हैं उसके स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को। तो ये होता है हमारा न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप। इसकी कोई फ़ोटो होगी तो दिखा देती हूँ, ऐसे ही कुछ दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन पूरा ख़त्म होता है। इसके प्रोसेस मैं ऐसा करती हूँ, दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ जल्दी से, एंड फिर हम ये ख़त्म करते हैं लेक्चर। तो नंबर वन हमारा ये ट्रांजिएंट वेसोकंस्ट्रिक्शन, अगर मेंशन करना हो तो कर देना, वरना कोई बात नहीं। मेन क्या हो रहा है? वेसोडायलेशन, इंक्रीज परमेबिलिटी। ठीक है, स्टेटस के बाद हमारा होगा ये माइग्रेशन। माइग्रेशन के बाद हमारा क्या होगा? ये रोलिंग, और क्या होता है इसे, एडहेरेंस। ठीक है, रोलिंग एडहेरेंस भी हो जाएगा। फिर हमारा आता है ये अटैच, एडहेरेंस हो चुका, हाँ, माइग्रेशन, ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन मतलब अब ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा वेसल वॉल को छोड़ के बाहर आ जाएगा, ट्रांसमाइग्रेशन या फिर डायपेडिसिस। फिर हमारा होगा ये कोएगुलेज से हमारा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ा था, कीमोटैक्सिस, ऑप्शनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस, किलिंग। ठीक है, सिंपल। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया अच्छे से। मैंने कोशिश की कि मैं पूरे इजी तरीके से बता सकूं। नेक्स्ट क्लास में मेडिएटर्स या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करेंगे, और लास्ट यहाँ पे हमारा टिश्यू रिपेयर है वो भी करेंगे। तो मेरे ख्याल से चार पार्ट्स में हो गए, एंड आई होप आपको ये समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।